Hello everyone, let's do this problem which is I love username code 155 a code forces. Okay, देखो इसमें क्या है कि एक वाक्य हमें दे रखा है और वो एक जो है प्रोग्रामर को एडोर करता है. तो क्या करता है, उसके सारे जो है कॉन्टेस्ट की रेटिंग्स को देखता रहता है. ठीक, तो अब देखो हमसे करना क्या है, सिंपली हमें क्या दे रखा हुआ है, देखो एक तो एन दे रखा होगा जो नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट है हमें, ठीक, और दूसरा हमें क्या दे रखा होगा, हमें टोटल उसके पॉइंट्स दे रखे हैं जिस कॉन्टेस्ट में उसको मिले, जो पार्टिसिपेट्स ने करा, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब दे रखे हैं, ठीक है, पर जिस सीक्वेंस में वो कॉन्टेस्ट हुआ, ठीक है. और वो कोई भी किसी भी केस में 10,000 से ज़्यादा नहीं है पॉइंट्स, जो 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलेंगे पॉइंट्स, ठीक है. अब देखो हमें क्या करना है, द नंबर ऑफ अमेजिंग परफॉर्मेंस द कोडर हैज़ ड्यूरिंग द होल हिस्ट्री ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट. लेकिन अब उसके लिए दो सिचुएशन दे रखी हैं कि वो कॉन्टेस्ट अमेजिंग किस कंडीशन में होगा, या तो वो अपना जो है बेस्ट रिकॉर्ड तोड़ दे या अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस छोड़ दे, वर्स्ट परफॉर्मेंस कर दे, उससे भी कम कर दे जितना उसने करा था लोएस्ट अभी तक का. तो उन दो केसेस में तो उसे अमेजिंग काउंट करेगा, मतलब अपना टॉप रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और अपना वर्स्ट भी तोड़ दिया, ठीक है. अब देखो इसमें क्या है, देखो मैं क्या देखा है, इट इज़ अमेजिंग ड्यूरिंग द कॉन्टेस्ट कोडर अर्न स्ट्रिक्टली मोर पॉइंट्स. स्ट्रिक्टली होना चाहिए, इक्वल्स टू नहीं होगा, ऐसी लेस केस में स्ट्रिक्टली लेस, ठीक. और देखो इसमें क्या है, जो कोडर का फर्स्ट कॉन्टेस्ट है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा अमेजिंग, ठीक है. वो उसे अमेजिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो पहला कॉन्टेस्ट होगा उससे हम पिछले तो कंपेयर करने के लिए हमारे पास कोई वैल्यू होगी नहीं, हम पिछला जब कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं हुआ तो हम कंपेयर किससे करेंगे, इसलिए फर्स्ट कॉन्टेस्ट को कुछ नहीं गिना जाएगा, उसके आगे वाले कॉन्टेस्ट से हम लोग गिनना शुरू करेंगे, ठीक है. तो देखो अब मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक एन ले लिया यानी नंबर ऑफ जो हमें कॉन्टेस्ट दे रखे थे, एक मैंने बेस्ट वेरिएबल लिया, एक वर्स्ट और एक काउंट, ठीक है, जो कि इक्वल्स टू जीरो है, ये हमारा अमेजिंग का काउंट रिटर्न करेगा. अब मैंने क्या करा, देखो सी इन करा लिया बेस्ट, सेन बेस्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि मैंने कराया है यहाँ पे इनपुट में, यहाँ पे अपना जो सी इन बेस्ट है यानी फर्स्ट जो वेरिएबल है, जो यानी फर्स्ट कॉन्टेस्ट होगा वो मैंने एंटर करा दिया बेस्ट में, और वर्स्ट को भी वही दे दिया मैंने, क्योंकि फर्स्ट कॉन्टेस्ट ना तो बेस्ट होगा अपने आप में ना वर्स्ट होगा, इसलिए दोनों को मैंने सेम वैल्यू दे दी, ठीक. अब देखो क्या करेंगे, वाइल करेंगे क्या, माइनस माइनस एन. अब आप पूछो माइनस माइनस एन, माइनस माइनस एन इसलिए क्योंकि हमने पहली वैल्यू तो ऑलरेडी एंटर करा दी, तो हम चाहते हैं कि प्री प्री जो है इंक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट हो इसमें, मतलब वैल्यू लूप चलने से पहले डिक्रीमेंट हो जाए एक बार हर बार, क्योंकि हमने एक वैल्यू तो पहले एंटर करा दी, ठीक है. अब वाइल माइनस 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 हो गया, अब इसका क्या करेंगे, हम इंटीजर में लेंगे एक ए, ठीक है, और सी इन करा लेते हैं यहाँ पे ए, ठीक है. अब सी इन कराने का चेक करेंगे, इफ़ ए इज़ लेस देन है क्या वर्स के, अगर ए लेस देन वर्स के है तो सिंपली क्या करो, वर्स्ट को कर दो ए के इक्वल, ठीक है, मतलब हमें एक और स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई, ठीक. और अब इस केस में क्या करो, काउंट प्लस प्लस कर दो क्योंकि ये अमेजिंग कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक. अब देखो दूसरा केस क्या होगा, अब दोबारा देखेंगे, इफ़ यहाँ पे क्या होगा, ए इज़ ग्रेटर देन है बेस्ट से, मतलब बेस्ट से भी बढ़िया है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम बेस्ट को इक्वल्स टू कर देंगे ए के और काउंट कर देंगे प्लस प्लस, ठीक. और यहाँ फाइनली क्या करेंगे, लास्ट में हम सी आउट करा देंगे यहाँ पे काउंट, जो मार टोटल अमेजिंग का काउंट, ठीक. और यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्लैश एन, ठीक, और यहाँ आ गया रिटर्न जीरो. तो देखो ये कोड हमारा पूरा हो गया, इसमें सिंपली हमने स्ट्रिक्टली ग्रेटर स्ट्रिक्टली लेस देन की कंडीशन भी चेक कर ली, और हमने फर्स्ट वैल्यू को पहले ही वर्स्ट और बेस्ट के इक्वल रख दिया था हमने, ठीक है. लेकिन उस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उससे पहले हमें कंपेयर करने के लिए कोई वैल्यू हमारे पास नहीं थी, ठीक. अब देखो इसे कंपेयर कर लेता हूँ फटाफट, जी प्लस प्लस करके, ठीक, आई लव यूजर नेम, ठीक. और देखो फर्स्ट टेस्ट केस क्या है हमारा, फर्स्ट टेस्ट केस ये रहा हमारा, फर्स्ट टेस्ट केस के लिए हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो टू. अब हम इसमें रन करके देख लेते हैं कि हमें टू मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है. देखो हमने रन करा और इसमें हमें फर्स्ट टेस्ट केस दिया, देखो टू मिल गया, ठीक. अब नेक्स्ट टेस्ट केस भी देख लेते हैं, नेक्स्ट टेस्ट केस हमारा ये, ठीक. इसके लिए हमें क्या मिल रहा है, फोर, यानी चार बार उसने जो है रिकॉर्ड है तो कम हुआ या उसका बढ़, ठीक. तो ये यहाँ पे भी देखो इसमें कर देते हैं हम, और देखो आंसर मिल गया हमें फोर, ठीक है. तो देखो यही था क्वेश्चन, इजी थी प्रॉब्लम थी, ठीक है. तो ये देखो इसका कोड ये रहा सिंपल है, ठीक. हमने बस सिंपली क्या करा है कि हमने जो पहले ही जो वैल्यू थी वो तो बेस्ट और वर्स्ट को दे दी शुरुआत में, और बाकी वैल्यूज के लिए उससे चेक कर लिया हमने, ठीक. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दूसरा शेयर करिएगा, अपने पूरी कोड फोर्सेस की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा, ठीक है. इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू.